अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही फ़ायदे का ड्रिंक बनाना सिखा रही हूँ, पुदीने के पत्ते का। देखिए किस तरह मैं फ्रेश पुदीने के पत्ते लूँगी, उससे मैं ड्रिंक बनाऊँगी जो ना सिर्फ आपके तमाम डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, बल्कि यानी कि आपको हजम लेकर हाजमे से लेकर हर चीज़ इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। पेट में दर्द और किसी को खाना नहीं हजम होता, और जो है किसी को मतली आ रही है, किसी को भूख नहीं लगती है, किसी को हाजमा ख़राब है, ये सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। किसी को पसीना, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं आप लोगों को ये शेयर करना चाह रही हूँ। ड्रिंक पुदीने के पत्ते का बनता है फ्रेश, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अगर अपने घर में आप पुदीना लगा लें इस तरह, तो बहुत ही अच्छा होगा, फ्रेश मिल जाएगा, वरना फिर बाज़ार से लेकर आइए आप लोग। देखिए मैंने जो पुदीना लगाया है उसको मैं मुसलसल फ़ायदा उठा रही हूँ, तो आप लोग भी ट्राई किए, अपने घर में लगाइए और जो है इसे फिर ड्रिंक बनाइए। तो सबसे पहले मैं अच्छे अच्छे इसके लीफ लूँगी, लीफ इसके लूँगी, जमा करूँगी इस तरह, इसके ऊपर से मैं काट लूँगी ककर। ये देखिए इस तरह मैं जमा करूँगी इसमें से। इस तरह मैं सब जमा करूँगी, देखिए, और फिर इसका मैं बनाती हूँ, आपको मैं बताती हूँ किस तरह बनेगा प्रोसीजर इसका, किस तरह है। चलिए यहाँ तक अभी काफ़ी। ये देखिए जो मैं ड्रिंक बना रही हूँ उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए। ये मैंने अपने घर के ही ये मिंट के हैं, ये पुदीने के पत्ते हैं और फ्रेश हैं, इसको मैंने डंडियाँ इसकी निकाल दी हैं, सिर्फ इसकी लीफ चाहिए पत्ते। और ये लेमन है, लेमन भी हमारे घर के हैं माशाल्लाह। ये देखिए इसमें लेमन चाहिए, और कितना आप बना रहे हैं आपके पर है। अगर आप दो गिलास बनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए दो या डेढ़ लेमन काफ़ी होगा, अगर ज़्यादा तो उसके लिहाज से होगा। उसके बाद ये देखिए काले नमक लिया मैंने थोड़ा सा, और ये मैंने सौंफ का पीस लिया है, इसको ग्राइंड कर लिया है सौंफ का मैंने, और इसको अच्छा से ग्राइंड कीजिएगा। ये देख रहे हैं मैंने सही से नहीं किया इतना ज़्यादा, तो इसे अच्छे से ग्राइंड कीजिएगा। और ये है पिसी भी गुड़ है, गुड़ है ये, मुझे गुड़ पसंद है क्योंकि मैंने इसलिए गुड़ लिया है। आप इसकी जगह शक्कर भी ले सकते हैं और मिश्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को गुड़ सूट नहीं करता, तो मिश्री इस्तेमाल के, बहुत गर्मी है आजकल तो मिश्री सही रहेगा और ठंडा भी होता है मिश्री। और इसके अलावा अगर मिश्री नहीं है तो चीनी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं पिसी भी। तो ये चीज़ें मैंने ली है, अब इसको मैं जो हूँ ग्राइंड कर लूँगी मैं लेमन को, और इसको ये मिंट के पत्ते को उसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह बनेगा ये ड्रिंक। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे गर्मी में, और एक दफ़ा पियेंगे तो इंशाल्लाह हमेशा पीते रहेंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बनाते हैं आगे। ये देखिए व्यूअर, ये अब जो ड्रिंक बनकर तैयार हो गया है, ना सिर्फ ये ड्रिंक है बल्कि इसको पीने से आपकी बॉडी में जो जो ख़राबी हो रही है और जो जो कुछ हो रहा है वो सब सही हो जाएगा। अगर रोज़ाना इसको अपने हैबिट बना ले पीना, तो ना सिर्फ बहुत सी बीमारियों से आप बचे रहेंगे, बल्कि पेट की बीमारी तो अब कभी होगी नहीं आपको। और जो है ज़रूर आप ट्राई किएगा, और मज़े का है बहुत ये, और ख़ास तौर पर गर्मी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और खूब सारा इसमें बर्फ़ डालिएगा और ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, रोज़ाना इस्तेमाल कीजिए। आज के लिए काफ़ी है, ज़रूर आप ट्राई करें। ओके बाय, थैंक यू।